बुद्ध से धर्म की दीक्षा लेने के बाद सिरिमा जो कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह की नगर वधु थी, उसने अपना नगरनिका का काम छोड़कर बुद्ध की उपासिका बनने का निश्चय किया। सिरिमा राजगृह की सबसे सुंदर और धनी स्त्री थी, लेकिन अब उसने अपना सारा समय बुद्ध संघ की देखरेख, उनकी सेवा में भिक्षुओं के आज्ञा पालन और दूसरे अच्छे कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र मंगवा रखे थे, जिसे भोजन करने के बाद पुराने भिक्षु नए भिक्षुओं को दे दिया करते थे, और इस तरह से हर दिन 8 नए भिक्षु उसके यहाँ भोजन पर आते। सिरिमा भोजन करने आए भिक्षुओं को स्वयं के हाथों से भोजन परोसती और उन्हें बहुत सम्मान देती। भोजन सभी के लिए पूर्ण मात्रा में और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, उन 8 भिक्षुओं में से एक भिक्षु जो सिरिमा के घर से भोजन करके लौटे थे, वो आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही उतावला और प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के कुछ भिक्षुओं ने उस भिक्षु से सिरिमा के भोजन के बारे में पूछा। तब उस प्रसन्न भिक्षु ने कहा कि भोजन सबके लिए पूर्ण मात्रा में था और भोजन का स्वाद ऐसा था जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन उस घर की सबसे महत्वपूर्ण और ना भूलने वाली यदि कोई चीज थी तो वहाँ की मालकिन की सुंदरता। सिरिमा एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जिसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं। वो एक बहुत ही आकर्षक और सौम्य स्त्री है जो किसी का भी मन मोह ले। उसकी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है। ये सभी बातें वहां खड़ा एक युवा भिक्षु भी सुन रहा था। उस जवान भिक्षु के भीतर सिरिमा के प्रति आसक्ति उत्पन्न होने लगी। उसने सोचा कि जब वो उस भिक्षु की बातों में इतनी सुंदर है तो वास्तव में कितनी सुंदर होगी। उसके मन में सिरिमा की सुंदरता की अलग अलग तस्वीर उभरने लगी। वो उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था जिससे वो अभी तक मिला ही नहीं था। अब उसने ये पता लगाना शुरू कर दिया कि सिरिमा के घर भोजन करने कैसे जा सकते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षु से अगले दिन का भोजन का निमंत्रण पत्र ले लिया, क्योंकि अब वो सिरिमा के लिए एक रात भी इंतजार नहीं कर सकता था। वो उस रात भी सिरिमा के बारे में सोचता रहा और सो नहीं पाया। वो पूरी रात बस सिरिमा के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन तभी उसी रात सिरिमा बहुत बीमार हो गई। उसने अपने शरीर के सभी गहने वस्तु उतार कर अपने बिस्तर पे एक तरफ रख सोने चली गई। अगली सुबह जब वो युवा भिक्षु सिरिमा के घर गया तो उसके घर के नौकरों ने उसका स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। ये देख उस युवा भिक्षु को बड़ा क्रोध आया और वो भीतर ही भीतर बड़ा दुखी हुआ। जब सिरिमा को ये पता चला कि भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं तो उसे उनके प्रति सम्मान जताना चाहिए। तब उसने अपने नौकर से कहा कि वो उसे भोजन कक्ष तक। दर्द में कराहती सिरिमा भोजन कक्ष में पहुंच जाती है। वो पसीने से भरी थी और उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। वो हाथ जोड़कर घुटने के बल भिक्षुओं के सामने बैठ गई। उसे देख युवा भिक्षु ने मन में ही कहा कि इतना बीमार होने के बाद यदि ये इतनी सुंदर और आकर्षक है तो ये यदि अभी बीमार ना होकर पूरे सास श्रृंगार में आती तो और कितनी सुंदर लगती। अपनी वासना में वशीभूत होकर, अपनी सुदबुद्ध खोकर उस बौद्ध भिक्षु ने बिना एक भी कौर खाए अपने भिक्षा पात्र को बंद कर दिया और भोज समाप्त होने के बाद वह अपने भिक्षा पात्र को लेकर सीधा आश्रम आ जाता है। और आश्रम पहुंचकर भी वह अपने भिक्षा पात्र को नहीं खोलता और उसे अपने पास ही रख लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरा समय इस सिरिमा का वो चेहरा ही घूम रहा था जो उसने भोजन कक्ष में देखा था। वो उसके बारे में जितना सोचता वो उसके लिए इतनी सुंदर होती जा रही थी। उसके कुछ मित्र भिक्षुओं ने इसे भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी असफल रहे। भयानक बुखार की वजह से उसी रात सिरिमा की मृत्यु हो गई। जब नगर सम्राट बिंबिसार को ये पता चला तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा और कहा कि हे तथागत, आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीविका की माँ सिरिमा अब इस दुनिया में नहीं रही। बुद्ध ने सम्राट बिंबिसार को दोबारा संदेश भेजा कि मृत शरीर की जलाया न जाए, बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए। उनके शरीर को चील कौवा कहीं खा ना जाए, इसलिए
मृत शरीर के आसपास कुछ पहरेदार वहां खड़े कर दिए जाए। 3 दिनों में मृत शरीर सड़ चुका था। शरीर के फूलने के कारण चमड़ी फट गई थी और उसमें से कीड़े निकलने लगे। आसपास का वातावरण दुर्गंध से भर गया था। बुद्ध के कहे अनुसार सम्राट बिंबिसार ने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी कि कल सुबह राजगृह के सभी युवा पुरुषों को सिरिमा के अंतिम दर्शन करने के लिए राजगृह के खुले मैदान पर आना है और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रेम में डूबा हुआ वो युवा भिक्षु 4 दिन से बिना कुछ खाए था। उसके भिक्षा पात्र में रखा भोजन सड़ चुका था और उसमें भी कीड़े लग चुके थे। उस युवा भिक्षु का एक मित्र उसके पास आया और बोला, मित्र बुद्ध सिरिमा को देखने जा रहे हैं। सिरिमा नाम सुनते ही उस भिक्षु के भीतर एक ऊर्जा सी आ जाती है। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसने तुरंत अपने भिक्षा पात्र में से सड़े भोजन को हाथ से साफ कर निकाल दिया और इस भिक्षा पात्र को अच्छे से धो दिया। जब वो भिक्षा पात्र से भोजन को फेंक रहा था तब उस भोजन से निकले कीड़े की तस्वीर उसके मन की गहराइयों में बैठ गई। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वो भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ निकल जाता है। राज मैदान पे सभी युवाओं की पहले से ही भीड़ उमड़ी हुई थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक तरफ बैठ गए और दूसरी तरफ सारे भिक्षु बैठ गए। एक और सम्राट और उनके मंत्री सैनिक भी बैठ गए। उनके पीछे नगर की बाकी जनता बैठी हुई थी जो बुद्ध में आस्था रखती थी। राज मैदान पूरी तरह शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट ये सामने पड़ी मृत स्त्री कौन है? तब सम्राट ने उत्तर दिया, सिरिमा जीविका की बहन और राजगृह की नगरवधु। बुद्ध ने यह सुना और कहा, सिरिमा राजगृह की नगरवधु, चलो सच्चाई का पता लगाते हैं। बुद्ध ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा कि आज आप में से जो भी व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वो सिरिमा के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगे। ये सुन एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, 500 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के, किसी की कोई प्रक्रिया नहीं आई। 50 सोने के सिक्के, 25 सोने के सिक्के, चारों तरफ सन्नाटा था। 1 सोने का सिक्का, अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बुद्ध ने कहा, मुफ्त में, लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये देख बुद्ध ने कहा, देखा भिक्षु, ये वही स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर की हर पुरुष की चाहत थी। हर पुरुष इसे पाना चाहता था, इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधक समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार थे। एक दूसरे को मरने मारने को तैयार थे। लेकिन आज उसी नगर में उस स्त्री के शरीर कोई मुफ्त में भी लेने के लिए तैयार नहीं। यही हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा ये शरीर अल्पकालिक और नश्वर है। इसे सुंदर गहने, कपड़ों और सुगंधित इत्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है, लेकिन हमारा कोई भी प्रयास इसे बूढ़ा होने, बीमार पड़ने और अंततः नष्ट होने से भी नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख ही अपने आप कल्पनाओं से जोड़ते हैं और जो मलिन है उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उस बीमार युवा प्रेमी भिक्षु ने भी बुद्ध की ये सब बातें सुनी। बुद्ध की ये बातें उसके दिल को चोट कर गई। उसने सोचा कि जब सिरिमा जीवित थी तो उसका शरीर कितना सुंदर आकर्षक था, ठीक उस भोजन की भांति जो ताजा पकाकर उसे परोसा गया था। हालांकि समय के साथ उसकी कटोरी में रखा भोजन सड़ गया और पूरा पात्र कीड़ों और मक्खियों से भर गया। ठीक इसी तरह एक बार जीवन ने सिरिमा के शरीर को छोड़ दिया तो वो फूल गया, कीड़ों से भर गया, उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा और वो मक्खियों और दूसरे जीवों का भोजन बन गया। अपने स्वयं के शरीर के बारे में विचार करने पर वो समझ गया कि वो अलग नहीं है। यहाँ तक कि इस दुनिया में कुछ भी उसके शरीर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने शरीर और कल्पनाओं से लगाव रखना एक भ्रम मात्र है। और इस नए ज्ञान के साथ वो अरहंत बन गया, यानी कि एक मनुष्य जिसने प्रकृति का अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी हो। आशा करते हैं ये ज्ञान आपने भी लिया हो। और भी ज्ञान के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार जरूर सुने। धन्यवाद।